हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप पीडीएफ फाइल में एडिट कैसे करें या पीडीएफ फाइल में इमेज या टेक्स्ट कैसे जोड़ें सीखने जा रहे हैं। और जो आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आमतौर पर यूट्यूब पर देखा गया है कि जो लोग बाग होते हैं वो पीडीएफ फाइल को गूगल डॉक्स पे ले जाकर के, यानी पहले गूगल ड्राइव पे ले जाते हैं, फिर वहाँ पे उसको राइट क्लिक करते हैं, फिर गूगल डॉक्स पे ओपन कर लेते हैं, उसको टेक्स्ट में कर लेते हैं, उसको इमेज बनाते हैं, मतलब बहुत लंबा चक्कर काट करके उसको एडिट करते हैं। लेकिन जो आज का मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। केवल आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप किसी भी पीडीएफ फाइल में कोई भी चेंज कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन पे नए हैं तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ाना एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है। उसमें चाहे एजुकेशन की वेबसाइट या एजुकेशन से जुड़ी, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स की कंपटीशन की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल भी आप सीख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र को ओपन कर लोगे और यहाँ पे सर्च बार में वेबसाइट का नाम, आपको वेबसाइट का नाम मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पर डालना है आई स्काई सॉफ्ट पीडीएफ एडिटर। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ही आ रहा है पीडीएफ आई स्काई सॉफ्ट US या PDF एडिटर, आप इसके ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, और यहाँ पे पावरफुली येट अफोर्डेबल PDF एडिटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड करने के बाद सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बिल्कुल सीधा है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है, वंडरशेयर पीडीएफ करके आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। आपके सामने ही ओपन होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे आपके सामने ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। और इसमें यहाँ पे आप जिस फाइल को एडिट करना चाहते हैं या कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ कहीं भी आपकी फाइल होगी उस लोकेशन पे आप पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपको उस पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे अपलोड हो रही है, थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है 8 से 10 सेकंड। तो आपके सामने जो फाइल है पीडीएफ की वो ओपन होकर आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि वो स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे। अब ये पीडीएफ की फाइल है जिसमें 7 पेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब आपको इसमें कोई भी चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे ऊपर शुरुआत में ही लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट एंड इमेज ऑब्जेक्ट। अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट जो भी बनी हुई होगी, टेक्स्ट बना होगा, उसको वो एडिट कर लेगा। जैसे मैंने एडिट पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो एडिट हो गए। आपको किसी भी टेक्स्ट में यहाँ चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए के साथ मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कोई भी यहाँ पे नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए नेम लिखना है, यहाँ पे बदलना था, आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी आप कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपको कोई इमेज ऐड करनी है तो ऐड इमेज पर आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपकी इमेज पड़ी हुई होगी वो आप इमेज यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, वो इमेज आ जाएगी। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। यानी कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए से
आप अपने खुद के पीडीएफ नोट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है, ऐड टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐड टेक्स्ट आ जाएगा, आप कुछ भी और चाहे तो लिख सकते हैं। कोई लिंक देना है तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, आप कोई वेबसाइट का या किसी फाइल का यहाँ पे लिंक जोड़ सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कर्सर रख के। इसके अलावा आप यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये ऐड वाटरमार्क, आप इस पे वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। न्यू वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू वाटरमार्क आ जाएगा, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, AST। यहाँ पे आप स्टाइल ले सकते हैं, वो स्टाइल जो होगा वो किस तरह से स्टाइल यहाँ पे होगा, यहाँ से कलर ले सकते हैं, तो जो भी आप स्टाइल लेना चाहो उस स्टाइल में ये आ जाएगा। यहाँ से आप कौन से कलर में लेना है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी पोजीशन जो है वो आपको कहाँ किस तरह से रखनी है वो यहाँ पे आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली में कर सकते हैं। एंड ओके करेंगे तो यहाँ पे एक वाटरमार्क आप देखेंगे, हर पेज पे वाटरमार्क आ जाएगा। आप इस वाटरमार्क को या इस पे पहले से कोई वाटरमार्क है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो वाटरमार्क जो है रिमूव हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एडिट बैकग्राउंड, आप इस पेज के बैकग्राउंड को एडिट कर सकते हैं। न्यू बैकग्राउंड बनाना है यानी कि इसके बैकग्राउंड को कलर करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हैं, जिस भी कलर में आपको देना है वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं तो बैकग्राउंड जो है उसी कलर का हो जाएगा। इसके अलावा एडिट हेडर या फुटर, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हेडर होता है और पेज के नीचे वाला जो हिस्सा होता है फुटर होता है, तो आप वहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। एडिट बैट्स नंबरिंग डाल सकते हैं, लाइन मोड या पैराग्राफ मोड पे आप इसको रख सकते हैं, पैराग्राफ मोड पे रख लीजिए। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आपको इस फाइल को OCR में कन्वर्ट करना है, ऑप्टिमाइज PDF में कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है, PPT में कन्वर्ट करना है, इमेज में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब लेटेस्ट वाले में जैसे ये अपडेट हुआ है, पहले ये एकदम फ्री था लेकिन अब इसने क्या करा कि जैसे ही आप इसको फाइल को सेव करेंगे, फाइल पर आप जाएंगे फाइल पे जाने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूँ, एग्जाम्पल मैंने इसको सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पूछता है रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर टू रिमूव ट्रायल वाटरमार्क। अगर आपको वाटरमार्क ये सिंपल अगर ऐसे सेट कर लोगे तो ये अपना खुद की कंपनी का एक वाटरमार्क दे देगा बीच में। यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये कुछ ही पैसे का होगा, बाय कर सकते हैं और ये फिर आपका लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मान लो मैंने सेव वाटरमार्क पे क्लिक किया बिना मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब विदाउट मैंने खरीदे इसको सेव कर लिया एंड इसको सेव कर दिया तो क्या होगा, बाकी सब चीज़ें तो आ जाएगी लेकिन ये अपना पीछे भी एक PDT एलिमेंट करके एक थोड़ा सा वाटरमार्क दे देगा ये वाला। बाकी इस PDF में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, आप इसको बाय भी कर सकते हो ताकि वो वाटरमार्क जो अपनी कंपनी का जो पीछे आ रहा है हल्का जो दिखाई दे रहा है वो ना आए। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहे। हम कोशिश करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को फ्री में रजिस्टर कैसे करते हैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बनाई जाए। आप हमें उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री में रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।